हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और वीडियो लेके आए हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे फुल आउटर जॉइन के बारे में। ये एक सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जॉइन के ऊपर बनाया, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ जॉइन में एक एक जॉइन को अच्छे से समझ रहे हैं, जिसमें आपका इनर जॉइन आ गया है, लेफ्ट आउटर जॉइन आ गया है, राइट आउटर जॉइन आ गया है। अभी हम लोग फुल आउटर जॉइन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये फुल आउटर जॉइन रिलेटेड हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसके रिलेटेड जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फुल आउटर जॉइन क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज ए मैच ऑफ लेफ्ट टेबल और राइट टेबल रिकॉर्ड्स। मतलब क्या है, ये आपका लेफ्ट टेबल है या फिर टेबल वन है, ये आपका राइट टेबल है या फिर टेबल टू है। ये वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट टेबल के जो पार्ट है वो सब दिखाएगा, साथ ही राइट टेबल का जो पार्ट है वो भी दिखाएगा, साथ ही साथ इन दोनों के टेबल के जो कॉमन पार्ट है या फिर इन दोनों के बीच में जो इनर जॉइन चल रहा है तो उसको दिखाएगा। मतलब ये फुल आउटर जॉइन आपका इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, तीनों जॉइन को मिलाकर जो आउटपुट आएगा उसको डिस्प्ले में दिखाता है। तो हम लोगों ने इनर जॉइन अच्छे से समझे, राइट जॉइन एंड लेफ्ट आउट जॉइन को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो उसका फुल पार्ट है ये आपका फुल आउटर जॉइन। तभी देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका। सिलेक्ट कॉलम नेम, मतलब हम लोगों को जो जो कॉलम हम लोगों को टेबल में दिखाना होगा या फिर डिस्प्ले में हम लोग चाहते हैं, उस कॉलम नेम को हम लोग डिस्प्ले में दिखाएंगे, या फिर अगर हर एक टेबल के कॉलम को दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर सीधी सी स्टार लिख देंगे। फ्रॉम टेबल वन, टेबल वन मतलब लेफ्ट टेबल, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ये क्लॉज को फुल आउटर जॉइन। उसके बाद टेबल टू, उसका नेम लिखेंगे ऑन टेबल वन कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू कॉलम नेम। मतलब ये टेबल के जो पार्ट कॉमन है, क्योंकि जॉइन में हम लोगों को एक कॉलम का नेम दोनों टेबल में सेम होना, टेबल वन एंड टेबल टू में सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद वेयर क्लॉज लिख के हम लोग कोई भी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉय एंड सैलरी का टेबल होगा तो सैलरी ग्रेटर देन 5000, जो जो कस्ट एम्प्लॉय को मिल रहा है उसको हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर ऑर्डर बाय करके हम लोग उसका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे ज़्यादा सैलरी गेन कर रहा है उसका डिस्प्ले में हम लोग दिखा सकते हैं, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये आपका टेबल है लेफ्ट टेबल और ये है आपका राइट टेबल। तो इसमें टेबल में 1 2 है, कॉमन पार्ट में 3 है और यहाँ पर 4 5 है। तो हम लोग अगर फुल आउटर जॉइन को इसी सिंटेक्स के द्वारा हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो इसमें हम लोगों को डिस्प्ले में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 आपके लेफ्ट टेबल का पार्ट है, 4 5 राइट टेबल के पार्ट है एंड 3 आपके दोनों टेबल के कॉमन पार्ट है। तो हर एक चीज़ को ये डिस्प्ले में दिखा रहा है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग टेबल लेते हैं, वही टेबल है, एक ऑर्डर और एक कस्टमर, जो हर एक वीडियो में हम लोगों ने सेम रखा। सेम इसलिए रखा है क्योंकि ताकि हम लोग एक ही टेबल में अलग अलग क्वेरी को चलाकर देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए इस टेबल को देखते हैं। देखिए सेम टेबल है, ऑर्डर एंड कस्टमर। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड डेट दिया गया है एंड कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, नेम एंड प्लेस दिया गया है। देखिए कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी दोनों सेम है, ये कॉलम एंड ए कॉलम सेम है। तभी सेम रहेगा, तभी हम लोग इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा, तभी हम लोग जॉइन को रन कर पाएंगे। तभी हम लोग क्वेरी लिखते हैं क्या, सिलेक्ट
देखिए कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर टेबल के कस्टमर नेम को डिस्प्ले करेंगे, कॉमा ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल के ऑर्डर आईडी को डिस्प्ले करेंगे, फ्रॉम ऑर्डर लेफ्ट टेबल, फुल आउटर जॉइन, देखिए फुल आउटर जॉइन कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम अनदर टेबल नेम, टेबल टू का नेम, कस्टमर टेबल नेम, ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी, ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी इस टेबल के कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी, कस्टमर टेबल के कस्टमर आई डी, इन दोनों को मैच कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में इक्वल साइन दिया गया है। अभी इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, देखिए आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पर टू कॉलम्स आएंगे, एक आपका कस्टमर का नेम और दूसरा आएगा ऑर्डर आईडी। अभी फर्स्ट टेबल में नेम क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी आर सी एक्स, अभी एक्स वाई जेड के क्रॉसपोंडेंस नेम क्या है, ऑर्डर आईडी 1001। अभी ए बी सी मतलब ऑर्डर 3 का 03 का रिस्पॉन्स ऑर्डर आईडी क्या है, 1005। अभी देखिए आर सी एक्स ऑर्डर आईडी क्या है, इस टेबल में नहीं है तो इसमें हम लोग लिखेंगे नल वैल्यू को। अभी देखिए ये दोनों मैच हो गए, अभी ऑर्डर आईडी के टेबल में देखिए 1002 ये बाकी है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1002, बट इसके रिस्पॉन्स कोई कस्टमर का नेम नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नल वैल्यू को। जैसे देखिए यहाँ पर आर सी एक्स जो कस्टमर का नेम है उसके कोई ऑर्डर आईडी नहीं है तो इसमें हम लोग नल वैल्यू लिखें। सिमिलरली ये ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट हम लोगों का कोई टेबल में रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग इसमें नल वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़ीरो लिख नहीं सकते, ज़ीरो रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसमें नल वैल्यू को लिख रहे हैं। तो ये टेबल में हर एक चीज़ को डिस्प्ले में दिखाया गया, इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, साथ ही साथ इसका जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट भी, ये दोनों कॉमन पार्ट है और ये आपके राइट टेबल में है, ये आपके लेफ्ट टेबल में है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि फुल आउटर जॉइन कैसे काम करता है। फुल आउटर जॉइन का मतलब दोनों टेबल में वेन डायग्राम को अगर आप लोग समझेंगे तो दोनों टेबल में जो कॉमन पार्ट है वो तो दिखाएगा, साथ ही लेफ्ट का जो पार्ट है या और राइट का जो पार्ट है इन दोनों को भी डिस्प्ले में शो करेगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया, फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड जो आप लोगों के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।